गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना एक्सरसाइज 10.1 शुरू करेंगे। इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। रागिनी डिपॉजिटेड रुपीज़ 2400 इन अ बैंक। रागिनी ने क्या किया, 2400 रुपीज़ बैंक में सबमिट किया 11 जनवरी ऑफ 2012 को, वॉज रीपेड ऑन 6 जून 2012, और जो कब देना था 6 तारीख को उसे वापस लेना था 6 जून 2012 में, एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का रेट क्या था, 7/1/2%। फाइंड हर इंटरेस्ट एंड अमाउंट। तो आपको क्या बताना है, इंटरेस्ट और अमाउंट बताना है किसका, रागिनी का, कि रागिनी को कितना इंटरेस्ट और कितना अमाउंट मिलेगा टोटल। तो देखिए 10.1 क्वेश्चन नंबर 1, प्रिंसिपल 2400 है, रेट 7/1/2% है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे 15/2% आ जाएगा। टाइम 146 डेज अपॉन में 365, क्या आ जाएगा 2/5 ईयर्स। हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन में 100। PR और T की वैल्यू रख दीजिए और 100, तो देखिए क्या आ जाएगा, ₹72। तो अमाउंट क्या आएगा फिर, P प्लस सिंपल इंटरेस्ट, आप प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा 72 + 2400, तो क्या आ जाएगा 2472 रुपीज़। ये क्या आ गया अमाउंट। तो इतना अमाउंट रागिनी को मिलेगा बैंक से। ओके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन हाउ मैनी डेज ईयर्स विल अ सम डबल इट सेल्फ एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कितने ईयर्स में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो खुद डबल हो जाएगा, और फिर रेट क्या लगेगा 8% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है इसमें, अमाउंट, सॉरी आपको इसमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, क्योंकि इसमें हाउ मैनी ईयर्स पूछा है ना, इसलिए आपको इसमें टाइम निकालना है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन करेंगे, टाइम निकालना है हमें, रेट 8% है। लेट द प्रिंसिपल, हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को लेट करेंगे, तो प्रिंसिपल लेट किया है हमने ₹100। द अमाउंट क्या डबल होना है, तो डबल ऑफ ₹100 कर देंगे तो 200, क्योंकि डबल की बात की गई, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा फिर, 200 - 100 कर देंगे, 200 अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, क्या आ जाएगा इंटरेस्ट, ₹100 इंटरेस्ट आ गया। टाइम निकालना है हमें, तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू में 100, पी इंटू में आर, तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह 100, पी की जगह 100, मतलब 100 यहाँ पर है ही, फिर P की जगह 100 और R की जगह 8 रख दीजिए, फिर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 12 1/2%। ठीक है, यह आपका क्या आएगा, 12 1/2%, या सॉरी 12 1/2, यह आपका टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अपनी नोटबुक में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर हिट करें।